नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बड़ा बयान आया है सामने। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ को लेकर बयान आया सामने। राजनीतिक पार्टी के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, प्रीतम अगर कोई आना चाहता है तो लिया जाएगा फैसला, ऐसा उन्होंने जिक्र किया। जी हाँ, प्रीतम सिंह का ये न्योता एक तरीके से हम समझ पा रहे हैं, अगर कोई आना चाहता है तो उस पर भी फैसला लिया जाएगा। साथी होने की वजह से उमेश से होती है बात, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आ रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का ये बड़ा बयान आया है सामने। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ को लेकर यह बयान दिया गया। उन्होंने जिक्र किया कि राजनीतिक पार्टी के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अगर कोई आना चाहता है तो फैसला लिया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, देहरादून से देवस्थानम बोर्ड को लेकर अजय भट्ट का बयान आया है सामने। देवस्थानम बोर्ड पर होना चाहिए पुनर्विचार, जन भावनाओं को देखते हुए हो पुनर्विचार, ऐसा जिक्र किया अजय भट्ट ने। बोर्ड गठन के दौरान जो कमियां रह गई हैं उसे दूर करने को लेकर काम करना चाहिए। मनोहर कामध्यानी की अध्यक्षता में अगर हम बात करें तो तमाम जो बैठकें होती हैं उस पर भी तमाम बयान जो है वो दिए गए हैं। ये बड़ी खबर, देवस्थानम बोर्ड पर होना चाहिए पुनर्विचार, ऐसा जिक्र किया गया। तो वही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बड़ा बयान आया सामने। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ को लेकर बयान, राजनीतिक पार्टी के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, प्रीतम कोई आना चाहता है तो लिया जाएगा फैसला। विधानसभा के साथी होने की वजह से उमेश शर्मा काऊ के बीजेपी के अंदर विवाद मामले में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, कोई कांग्रेस में अगर आना चाहता है तो उचित समय आने पर नेतृत्व द्वारा उचित फैसला लिया जाएगा। साथ ही प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि समय समय पर विधानसभा के साथी होने के नाते उनकी सभी से बातचीत होती रहती है। क्या कुछ कहा जरा सुन लीजिए। हाँ, देखिए पुराने नए का प्रश्न नहीं है। मैंने कहा कि राजनीति में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, जब वक्त आएगा तो हर चीज आपके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगी। सर, को बातचीत हुई है, बीच में देखिए एक बात सुनिए, हमारे पुराने साथी हैं, हमेशा बात होती है, हमेशा संवाद स्थापित करते हैं, लेकिन जो बात होगी वो आपके सामने। सर, क्या मानते हैं गलत है जिस तरीके से विधायक और कार्यकर्ता को बताया जा रहा है वहाँ पे, इस तरीके की स्थिति है और आपके सॉफ्ट कॉर्नरों के प्रति किसके प्रति? अरे भाई, सॉफ्ट कॉर्नरों के प्रति किसके प्रति? अरे भाई, ये सताया। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, प्रीतम सिंह की तरफ से जो बात कही गई है वो किस ओर संकेत करते हैं? देखिए, प्रीतम सिंह ने जिस तरह से बयान दिया है, खास करके उमेश शर्मा काऊ के मामले में, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में जो कुछ चल रहा है, चूंकि 2022 में चुनाव है, उससे पहले बीजेपी के अंदर जिस तरह से उथल पुथल देखने को मिल रहा है, खास करके जो उमेश शर्मा काऊ है, पिछले दिनों अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ फिरते हुए नजर आए थे, उनके कार्यकर्ता भी उन्हें समय समय पर उनका सहयोग करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, उसको लेकर तमाम बातें थी जो पिछले दिनों जाकर अपने आला कमान से उमेश शर्मा ने बताई थी कि पार्टी के अंदर किसे बीजेपी के नेता ही उन्हें परेशान कर रहे हैं। उसके बाद प्रीतम सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है और कोई भी नेता जो पार्टी के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए उन समय आने पर उनके लिए विचार किया जाएगा। तो कुल मिला के क्या, तो ये एक तरह से संकेत है उत्तराखंड की राजनीति में कि आगे आने वाले समय में नेताओं की आवाज आही बढ़ेगी। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में तमाम विधायकों को काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, फिर जो भी तमाम आरोप लग रहे हैं जिसके बाद प्रीतम सिंह ने यह बयान दिया है, तो क्या इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के एक इमेज पर फर्क पड़ा हुआ दिखाई देने वाले वक्त में चुनाव में?
निश्चित तौर पर पहले से ये माना जा रहा था कि जो कांग्रेसी पृष्ठभूमि के जो विधायक हैं या नेता जो पिछले चुनाव से पहले जो बीजेपी में आए थे उन वो या फिर उनको पार्टी के दूसरे नेता एडजस्ट नहीं कर पाए हैं या फिर उनको अपने अंदर समाहित नहीं कर पाए हैं, उन नेताओं के लिए अगले चुनाव में मुश्किल होगा। खास करके उमेश शर्मा काऊ की बात करें तो देहरादून से लगे हुए सीट है, देहरादून जिले में ही सीट है रायपुर, और वहां से पहले जो है जो उमेश शर्मा है वही चुनाव जीत के आए हैं। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले विधायक रहे हैं और त्रिवेंद्र गुट के लोग लगातार उनके खिलाफ रहे हैं, खास करके बीजेपी के कुछ नेता उनके खिलाफ रहे हैं। और साफ तौर पे आज उमेश शर्मा ने भी कहा कि उन्हें 4 साल तक काम करने नहीं दिया गया, अभी भी परेशान किया जा रहा है और हमने बात आला कमान रख दी है और आला कमान को फैसला लेना है, अगर आला कमान से कुछ फैसला नहीं आता तो फिर वो आगे की कदम उठाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, लगातार नजर आप बनाए रखे, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, रायपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक उमेश शर्मा और फकाऊ दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात कर वापस देहरादून आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पिछले 4 सालों से अपने क्षेत्र में काम नहीं करने दिया जा रहा था और परेशान किया जा रहा था। उन्होंने अपनी सारी बातें आलाकमान के सामने रख दी हैं, अब फैसला आलाकमान के हाथों में है। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री के सामने ही उमेश शर्मा और बीजेपी के एक जिला पंचायत सदस्य के बीच सार्वजनिक रूप से तूतू मैमै हुआ था। ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। मतलब अपने परिवार से मिलना कोई गुनाह है? चलो यार, आपने कहा कि रणनीति शिकायतें आप हम घर अकेला नहीं हूँ, मेरे साथी उनका जो निर्णय होगा मैं उनके साथ हूँ। विधायक अगर बात नहीं मानी तो क्या अपने संगठन में चुनाव? मैंने कहा मेरे साथी कहाँ करो, ये पीछे कहाँ हो रहा है, पीछे मंत्री भी है, कुछ विधायक है, वो उनको भी मैं अपना दर्द बता चुका हूँ। अब वो भी जो बैठ के निर्णय करेंगे मैं उस निर्णय के साथ। सर दर्द है क्या आपका? दर्द क्या है इसमें? क्या आप सब जानते हो? 5 साल करो यार भाई, पिछला चुनाव जब मैं लड़ा एक संगठन तब भी मेरे साथ नहीं था, अब बाकी 4 साल आप खुद ही देखते हैं, आपको मालूम है। और उनके बाद ये जो 6 महीने में रोज मीटिंग होती मेरे खिलाफ। सर कल कल यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं अगले स्वास्थ्य, इस समय सबसे महत्वपूर्ण है हमारा कोरोना महामारी। और कोरोना महामारी के लिए मैंने स्वयं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध किया था कि यहाँ पर हमको वैक्सीन कम मिल रही है, तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमको अब जितनी वैक्सीन हमको चाहिए हमें जो है हमें पूरी वैक्सीन मिल रही है और हमारा लक्ष्य है कि अगले 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के अंदर सभी को वैक्सीन लग जाए। और भाई, कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव और तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी देहरादून में कार्यशाला आयोजित की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य संवाद पर आधारित कार्यशाला में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कई मंत्री, विधायक, नगर निकायों के जनप्रतिनिधि और डॉक्टर भी शामिल हुए। स्वास्थ्य संवाद 2021 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर मंथन किया गया, साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी की हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 15 दिसंबर तक पूरे राज्यवासियों को वैक्सीन लगाई जा सके, इसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। नहीं, हमने कभी ये शुरुआत की है कि लोग जो है क्योंकि प्रत्येक दिन लोग मिलना चाहते हैं, इसलिए हमने आज एक टाइम निर्धारित करके आज हमने सभी लोगों को एक सुनने का प्रयास किया है, समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना बताया भी है और उसने जो है अपने आवेदन पत्रों के माध्यम से भी दिया है, लिख कर दिया है। हम सभी लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुन लिया, सारे अधिकारीगणों को मैंने कहा है कि जितनी भी समस्याएँ आई हैं
उन समस्याओं का जो एक सरलीकरण समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनको सोल्यूशन की ओर ले जाएँ, उनका समाधान करें, उनका निस्तारण करें और उनका सरलीकरण करके लोगों को राहत पहुँचाने का काम करें। और मुख्यमंत्री कार्यालय से मैंने कहा है, मेरा मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में नौकरी के नाम पर युवाओं से अवैध वसूली की जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोटियाल ने कहा कि उन्हें भी बाल विकास कल्याण विभाग में भूतपूर्व सैनिक कोटे से चौकीदार की नौकरी के लिए 25,000 रुपए की मांग की गई। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दिए गए अकाउंट में जमा कराई गई और उसके बाद उनकी बिना जांच पड़ताल किए ही आउटसोर्स कंपनी ने उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देते हुए चंपावत में उन्हें पोस्टिंग भी दे दी है। कर्नल कोटियाल ने अपर सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग वी के मिश्रा से मुलाकात कर पूरा प्रकरण समझाते हुए उन्हें मिठाई खिलाई और कहा कि आपके विभाग द्वारा चयनित आउटसोर्स कंपनी ने मेरी बिना जांच पड़ताल किए और पैसे लेकर मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे दी है। कर्नल कोटियाल ने कहा कि जिस कंपनी ने उन्हें नौकरी दी है वो कंपनी लखनऊ की है और सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए उनसे निर्मला सिंह सेवा समिति के अकाउंट में 25,000 डालने को कहा गया था, लेकिन ये एनजीओ और ये स्क्वायर कंपनी दोनों का मालिक एक ही व्यक्ति अजय प्रताप सिंह है। इतना बड़ा खेल प्रदेश में सरकार की नाक के नीचे हो रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। कर्नल कोटियाल ने कहा कि जनता के लिए चौकीदार की भूमिका निभाने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। उनके पास लाइसेंसी बंदूक भी है जिसे वो अपनी ड्यूटी में सुरक्षा के साथ रखेंगे। और इसी बीच बहुत बड़ी खबर हरिद्वार से वन्य जीव प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। 1 अक्टूबर से कर सकेंगे जंगल सफारी। यहां अब ओपन किया जा रहा है राजा जी नेशनल टाइगर पार्क के महत्वपूर्ण गेट अब खुलेंगे, यानी कि अब जो प्रतिबंध था उससे हटाया जा रहा है। चुला रही चुरानीपुर गेट खुलेंगे अब 1.5 महीने पहले खुल रहे हैं गेट। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार से वन्य जीव प्रेमियों के लिए बेहद अहम खबर है, 1 अक्टूबर से कर सकेंगे जंगल सफारी। राजाजी नेशनल टाइगर पार्क के महत्वपूर्ण गेट अब खुलेंगे, ये बड़ी खबर। चिल्ला रेंज रानीपुर गेट अब खुलेंगे जिसकी वजह से अब लोग जो हैं वो अंदर प्रवेश कर पाएंगे। इस बार 1.5 महीने पहले खुल रहे हैं गेट, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हरिद्वार से वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये खुशखबरी है। सरकार को धन्यवाद देने आ रहा हूँ, महान है मेरा उत्तराखंड की ये सरकार कि मेरे जैसे लोग उनको भी समझती है कि ये बेरोजगार ना रहे। मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस नहीं देखा गया, क्या हुआ कि यहाँ पे जो कई युवा हैं कहा जाता है कि नौकरी निकल रही है, कहा जाता है उनको एम्प्लॉय करा जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अभी सरकार के 6 महीने बचे हुए हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली कि हम पूरे रोजगार खोल देंगे, ग्राउंड पर कहीं कुछ नहीं हो रहा। लेकिन क्या करती है सरकार, एक तरीका होता है। अब मान लो कोई डिपार्टमेंट है, अब यह बाल आयोग डिपार्टमेंट, तो ये आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स इसलिए करते हैं ताकि सरकार बोलती है कि हमारे ऑफिस में काम करने के जो तरीके हैं उसमें हम फोकस कर सकें और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है ये किसी और को थर्ड पर्सन थर्ड एजेंसी को दे दिया जाए। तो ये कंपनी है ए स्क्वायर लखनऊ की, उस कंपनी को आउटसोर्स का ठेका दे रखा है बाल आयोग विभाग ने। उसमें क्या होता है, जैसे कोई चपरासी की नौकरी है, कोई चौकीदार की नौकरी है, कोई क्लर्क की नौकरी है, ये सब वो लोग लेके आते हैं मैन पावर। अब उस डिपार्टमेंट को जब उस ऑफिस को जब अप्रोच करो, उस ए स्क्वायर को जब अप्रोच करो, उस वो जो प्राइवेट जो एक एजेंसी है, तो एक सिस्टम है, यह है केंद्र सरकार के दिए हुए कि अगर नौकरी लगनी है तो आपकी कुछ कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, आपकी कुछ काबिलियत होनी चाहिए। अगर आप चौकीदार की नौकरी है तो आपकी आंखें साफ होनी चाहिए, दिखना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, आपके पाँव टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए क्योंकि चौकीदार मतलब भागा दौड़ी भी हो सकती है। अगर आप कंप्यूटर की वो है तो आपको बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए। अगर आपको आपने ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, गाड़ी पास होना चाहिए, कौन सी गाड़ी है, लाइट मोटर व्हीकल है, हैवी मोटर व्हीकल है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, वो होना चाहिए। अब ऐसी हमने अप्लाई करा अपने इंटर की मार्कशीट के साथ में, तो वहाँ से कॉल आ गई कि आप एक ट्रस्ट है उसको 25,000 रुपये डोनेट करिए। तो वो डोनेट तो नाम होता है लेकिन होता क्या है कि 25,000 डायरेक्ट ए स्क्वायर डायरेक्ट घूस नहीं ले रहा है, डिपार्टमेंट डायरेक्ट घूस नहीं ले रहा है, उस ट्रस्ट के थ्रू ले रहा है। जिससे आप गांधीगिरी बोलोगे उत्तराखंड का, अगर हम इन ऐसे शब्दों में फंसे रहेंगे
तो कर्नल अजय कोठियाल जो एक्सपीरियंस लेके आ रखा है इंडियन आर्मी से और जो रिजाइन कर मतलब अभी में जो रिटायरमेंट वो कैसे करेगा लड़ाई, ये गांधीगिरी है आज तो मेरे को लगता है कि घुसागिरी होना चाहिए। अगर ये मेरा सर्वाइवल का सवाल है, मेरी शादी नहीं हो रही तो क्या हो गया कि सारे मेरे बच्चे हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, जज्बे से देखते हैं मेरे को, इन्होंने केदारनाथ बनाया जिसकी वजह से मैं हीरो हो रहा हूँ, आज मैं गांधीगिरी करूंगा। मैंने केदारनाथ अगर गांधीगिरी से कराया तो ये काम भी गांधी उसी तरीके से। कुटिया साहब एक ही कंपनी अभी तो इस कार का नाम है जिसमें युवाओं का शोषण सीधे सीधे किया जा रहा है, ये तो एक मामला है, आगे क्या करने वाले क्योंकि बड़ा सवाल है ये। सारी कंपनियों का आउट होना चाहिए, तो ये केस इसका थोड़ी है, इसके बाद ऐसे पांच और केस चल रहे हैं, बिल्कुल हम सबके आएंगे। लेकिन बेरोजगारी पे तो हमारा मुद्दा जो था उसको मेरी समझ में आया कि बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण तो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम है। मेरे को ये लगता था कि शायद यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है और उसकी वजह से बेरोजगारी होगी, या तो उल्टा चक्कर है या तो कोई सिस्टम बना करके और वो लेन देन करके वो करा जाता है तो आदमी बेरोजगार हो जाएगा। ये कहेगा 25,000 रुपए देने के लिए, मैं तो चलो एक पेंशन वाला आदमी हूँ, मैंने तो दे दिए 25,000, ये कहाँ से लेकर के आएगा बता जरा किस्सा। आगे बढ़े, कई दिनों से बिजली में कटौती की जा रही है जिससे लोग काफी परेशान हैं। बिजली की लुका छुपी की वजह से साय पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। लोगों का ये कहना है कि एक तरफ बिजली के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि कटौती नहीं की जाएगी, पर दूसरी ओर कटौती सबकी सिरदर्द बनी हुई है। दो महीने से कभी भी बिजली चली जाती है, इससे लोगों में काफी गुस्सा भी है, जबकि विभाग के एसटीओ का यह कहना है कि जबरदस्ती लाइट नहीं काटी जा रही है, कहीं फॉल्ट आता है तभी बिजली काटनी पड़ती है, फिर भी अगर लोगों की शिकायत है तो उसको जल्द दूर कर दिया जाएगा। तो बिजली कटौती से आम जान है और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दे कि बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों की तरफ से यह जिक्र किया जा रहा है कि जानबूझकर बिजली कटौती नहीं की जाती है, कहीं पर खामी होती है, कहीं पर कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से ही बिजली काटी जाती है, लेकिन अगर शिकायत लगातार कई दिनों से आ रही है तो एसटीओ साहब ने यह जिक्र किया है कि इन तमाम समस्याओं का समाधान कुछ ही दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन यह साफ किया गया है कि जबरदस्ती लाइट नहीं काटी जा रही है, जरूर कोई कमी है, खामियां जिसकी वजह से बिजली की कटौती की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से आया एक मामला जिसमें रिजर्व बैंक के अधिकारी बनकर ठगी कर रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिछले साल ज्वालापुर के कारोबारी से 7,00,000 रुपए की ठगी कर ली थी। कारोबारी ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया था जिसमें से पुलिस ने एक आरोपी को वही किया मुलाकात और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि लाइव में बस इतना ही।